छतरपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत डीआईजी बंगले के समीप 18 अगस्त को गुटखा कारोबारी कृष्ण कुमार अग्रवाल के साथ दिन दहाड़े कट्टा अड़ाकर की गई लाखों रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने सबसे शातिर अपराधी और इस पूरी घटना को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड नफीस जट को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अब तक इस मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है और इनसे 16 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति बरामद कर ली गई है। आरोपियों के पास से देसी कट्टे, घटना में प्रयुक्त पल्सर, 2 एंड्रॉयड मोबाइल सहित 15 लाख से अधिक की नकदी मिली है। छतरपुर में एडिशनल एसपी विक्रम सिंह, सीएसपी अमन मिश्रा और छतरपुर कोतवाली के टीआई अरविंद कुजूर की मौजूदगी में पुलिस कंट्रोल रूम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और इस पूरे मामले का खुलासा किया गया। इस मौके पर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह ने बताया कि 18 अगस्त को किस तरह नफीस जट ने प्लान बनाकर व्यापारी कृष्ण कुमार अग्रवाल के साथ लूट की थी। ये आपके संज्ञान में है कि 18 अगस्त को एक बड़ी घटना हुई थी, जो कि दिन की घटना थी, सनसनीखेज घटना थी और शहर के व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। सभी वरिष्ठ अधिकारी स्पॉट में भी गए थे और एसपी सर, डीआईजी सर, सभी ने हमें गाइड किया था और इसमें हमने सीएसपी अमन जो हैं उनके नेतृत्व में एक टीम बनाई थी और पूर्व में ऑलरेडी 7 एक्यूज हम पकड़ चुके थे जिनसे करीब 13,14,000 की रिकवरी हो चुकी थी। इसमें वन ऑफ दी जो मेन एक्यूज था, जो व्हीकल में साथ में था नफीस, उसको हमने राउंड अप किया है और उसके पास से करीब 2.5 लाख रुपए, 2 एंड्रॉयड फ़ोन और कट्टा रिकवर हुआ है। और इसी इन्वेस्टिगेशन में हमें जब आगे बातचीत पता लगे, उसका भाई भी इसमें इन्वॉल्व है जिसमें रेकी कर रहा था, उसका नाम भी हम इस इन्वेस्टिगेशन में बढ़ा रहे हैं और इसमें रिकवरी भी हमारी ऑलमोस्ट थोड़ी सी बची है, 90% से ज़्यादा रिकवरी हो चुकी है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 7 आरोपियों को पकड़ा था, अब 8वें आरोपी के रूप में नफीस जट को भी पकड़ लिया गया है। इसके पहले पुलिस अर्श उर्फ ब्लैकी सौदागर, रोशन मंसूरी, सोनू उर्फ चांद मोहम्मद, सोनू की बहन चांदनी, रोशन मंसूरी का भाई आसिफ, मोहम्मद शकील और शहजाद उर्फ चंदू को गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों से नकदी बरामद की है, क्योंकि लूट की घटना को अंजाम देने के बाद इन लोगों ने इस रकम को आपस में बांट लिया था। लूट की इस वारदात के खुलासे में छतरपुर सीएसपी अमन मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी, जिसमें कोतवाली टीआई अरविंद कुजूर, उपनिरीक्षक नंद किशोर सोलंकी, राहुल तिवारी, उपनिरीक्षक राहुल शुक्ला, उपनिरीक्षक धर्मेंद्र रोहित, प्रधान आरक्षक संदीप तोमर, अरविंद कुशवाहा, पवन तिवारी, पवन बाल्मीक, प्रहलाद, आरक्षक कपिंद्र, आशीष खरे शामिल थे। इसी टीम ने इस मामले का खुलासा किया है।